ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट का 85% इंडिया में है और 15% पाकिस्तान में है। ज्योग्राफी की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट में इंडस रिवर प्लेन्स, नॉर्थ में पंजाब प्लेन्स, साउथ ईस्ट में अरावली हिल्स, साउथ में रन ऑफ कक्ष से सराउंडेड है। 61% डेजर्ट राजस्थान स्टेट में, बाकी का गुजरात, पंजाब और हरियाणा में स्थित है। डेजर्ट दो रीजन में डिवाइडेड किया गया है, वेस्टर्न थार डेजर्ट जो कि हेविली एरिड रीजन है उसे मरुस्थली कहा जाता है, और ईस्टर्न थार सेमी एरिड रीजन है और इसे बांगर कहा जाता है। बांगर के नॉर्थ रीजन में सांभर सॉल्ट लेक है, वहीं सदर्न रीजन में बहती है लूनी रिवर। इसकी नॉर्दर्न स्लोप्स सिंध की साइड में है, सदर्न स्लोप रन ऑफ कक्ष की साइड में है। इंडियन डेजर्ट में 150 मिलीमीटर से भी कम रेनफॉल होता है, इसकी वजह से बहुत मैजी। अफ्रीका की फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर 2574 किलोमीटर के साथ अफ्रीका की लॉन्गेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर भी है। रिवर की शुरुआत जाम्बिया के जॉम्बो रीजन से होती है। दोस्तों यह रीजन कॉन्गो रिवर के सोर्स के काफी पास है, लोकेटेड है। जाम्बिया के बाद यह रिवर अंगोला में एंटर कर जाती है, जो दोबारा से जाम्बिया में एंटर हो जाती है, जिसके बाद जाम्बेजी रिवर तीन कंट्री के बॉर्डर को टच करती हुई नाम्बिया, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर यह सबसे बड़ा लार्जेस्ट वाटरफॉल विक्टोरिया वाटरफॉल क्रिएट करती है। इसके बाद यह रिवर लेक करीबा में एंटर करती है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैनमेड रिजर्वायर है। इसके बाद यह रिवर मोजाम्बिक में एंटर कर जाती है, जहां कहोरा बसा रिवर रिजर्वायर इसी रिवर पर लोकेटेड है। मोजाम्बिक से यह रिवर इंडियन ओशियन में गिर जाती है।